हमारे देखो जी, ये मकान नीचे सारा ही चला गया, आगे से सारा इन फोर लेन वालों ने सारा पूरा हाल कर दिया इसका। और जी अब हमने सबके पास इसकी कंप्लेंट करी, शिकायत करी जी, फिर इन्होंने किसी ने हमारा कुछ नहीं सुना जी। अब मेरे साथ मेरे चार बच्चे हैं जी, और हम कहाँ जाएंगे जी। तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ही अब हमारा घर, हमारे को रात को सोना नहीं मिलता, दिन में जी हम खा नहीं सकते, और हमारी कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जी। हमने बड़ी मुश्किल से मकान बनाया हुआ। तो जब प्रशासनिक अधिकारी को बोला तो क्या? तो जी उन्होंने बोला जब टूटेगा फिर देखा जाएगा। तो किस किस को उसके सामने सबको जी, हमने उसको एसडीएम को भी करी जी, इनको फोर लेन वाले को भी करी जी, हमने दफ्तर में जा जा के वहाँ पे जी हमने इनको बहुत कंप्लेंट करी जी, इनको मौके पे ले आए हम। तो क्या अब क्या हो क्या रहा है जी? अब क्या मकान, अब ऐसा हो रहा है जी, अब ये पूरा मकान इसमें दरार आ गई सारे इर्द गिर्द, और हमारे को रात को ये पूरा मकान हिलता है। फोर लाइन की कटिंग हो रही है तो हमारे बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है, बिल्डिंग को दरारें आ गई है पूरे घर में। हमारी जो पहाड़ी है, हमारा पहाड़ पे घर है हिल पर, तो ये खिसक रहा है आस्ते आस्ते। तो इस पर प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इस चीज़ को ध्यान दिया जाए, इसको हम इसका हल निकाला जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे को तो रिस्क हो रहा है इस पर घर में रहने से भी, रात को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमारे पास और कोई ठिकाना भी नहीं है अभी। तो इस हमारी प्रशासन से यही मांगे कि इस चीज़ का जल्द से जल्द हल किया जाए। देखिए कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये अवगत करवाया गया था कि फोर लेन के कटिंग के चलते एक मकान में दरारें आ गई थी, जिसमें हमने तुरंत रेवेन्यू टीम को स्पॉट पर भेजा और उसमें इवेल्युएट करने का प्रयास किया गया कि ये एग्जैक्टली कितना क्वांटम का डैमेज उस घर को पहुंचा है। और ये पाया गया कि फोर लेन की कटिंग जो रास्ता बन रहा है उसके चलते लैंडस्लाइड हुई है हल्की सी, और जिसकी वजह से ऊपर एक घर है जो कि काफ़ी वल्नरेबल कंडीशन में आ गया है, और लैंडस्लाइड की वजह से उस घर में दरारें भी पाई गई हैं। और इसके लिए चलते NHAI को इमिजिएटली अवगत करवा दिया गया था, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ग्रिल, उनको आदेश दिए गए हैं वो इमिजिएटली जो है पहाड़ी को रिस्टोर करने का प्रयास करें, और साथ में इंडिपेंडेंट टीम जो वैल्यूएटर्स हैं उनको भी भेजा गया है जो उनका घर है उसको इवेल्युएट करते, ताकि उनको एडिक्वेटली जो है कॉम्पनसेट किया जा सके। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।